एक खाली अशोक गहलोत जी निकले जिन्होंने जादू दिखाकर अपने नौजवान नेता का पासा पलट दिया, और इसके लिए धारीवाल जी को प्रणाम करता हूं। जैसे आपने वीर सावरकर को नहीं पढ़ा है, आपको पता नहीं कि 37 में गांधी जी ने जाकर सावरकर जी के पैर छुए थे। अगर ये बता दें कि संविधान सभा में राजस्थान से कौन से सदस्य थे तो मैं मान जाऊं कि इनको कांग्रेस का अध्ययन है। ये अशोक गहलोत जी के नाम बता दें तीनों, ये राजेश पायलट जी का पूरा नाम बता दें तो मान जाऊं। शिक्षा के क्षेत्र में पहला स्थान राजस्थान ने कब प्राप्त किया, किसके नेतृत्व में प्राप्त किया, अगर आप यह बता दें तो मैं मान जाऊं। आपको नहीं पता, बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। टाइम शुरू। आदरणीय विद्वान स्पीकर साहब का अभिनंदन, उन्होंने बोलने का अवसर दिया। इस देखिए कैसे बोले अपने मंत्री जी बोल रहे हैं। सितम भी सहना दुआ भी करना, गया बेकसी का वो जमाना। अगर है जरूरत गिराओ बिजली, बना रहे हैं हम आसियाना। कुछ मासूम है, कुछ मासूम है और जिद है बिजलियां गिराने की, उधर हमें भी है धुन विकसित राजस्थान बनाने की। इन्होंने तो डाल दी थी काली चादर पूरे राजस्थान पर, डाल दी थी काली चादर पूरे राजस्थान पर। इस खुशनुमा बजट की सड़क सुहानी सुबह तक जाती तो है। आय व्यय, आदरणीय डोटासरा साहब से प्रार्थना है अध्यक्ष महोदय के बहाने कि आपकी विद्वता पर नहीं जाऊंगा, इसलिए कृपया माफ करें। आय व्यय, वित्त प्रबंधन, उचित आवंटन और प्रगति के सोपान के ऊपर कदम, यह है राजस्थान के 24-25 की बजट के निहितार्थ। कन्याकुमारी से कश्मीर, गुजरात से असम अपनी अजान बाहु फैलाए भारत माता के चरणों में यह अभिनंदन पत्र भी है। यह अमृत बजट है, राजस्थान और देश की आजादी का ढिंढोरा पीटने वालों को पता नहीं होगा कि यह राजस्थान के निर्माण का 75वां वर्ष है, और इस नाते यह जो बजट है यह अमृत बजट है। मैं आज के इस अवसर पर माननीय श्री नाथूराम जी मिर्धा को याद करना चाहता हूं, जिन्होंने पहला बजट दिया था और कहा था दूसरे पैराग्राफ में कि मुझे तकलीफ है कि मैं सेवाओं की ज्यादा घोषणा नहीं कर पा रहा हूं, मुझे तकलीफ है कि मेरा बजट नीरस है, मुझे तकलीफ है कि मैं जितना करना चाहता था उतना नहीं बोल पाया हूं। और दूसरी तरफ हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी इस नीरसता को मजाक में उड़ा रहे हैं। और परिणाम क्या निकला कि नाथूराम जी एक बार बजट पढ़ पाए वित्त का, दूसरी बार वित्त मंत्री नहीं रहे। अगली साल जयनारायण जी व्यास ने पढ़ा, जो आप कहना चाह रहे थे उससे ज्यादा अच्छा कहूंगा, जो आप कह सकते हैं उससे ज्यादा अच्छा कहूंगा। दूसरी बार जयनारायण जी व्यास ने पढ़ा तो उनको नहीं पढ़ने दिया अगली बार, और कांग्रेस की बुराई के अंदर निकल पड़े जयनारायण जी। नाथूराम जी नए दल में शामिल हो गए। तीसरी बार टीकाराम जी पालीवाल ने पढ़ा तो हमारे शांति धारीवाल जी को याद होगा कि जनता पार्टी के वो अध्यक्ष बने थे। ये कहानी है कैसे कोई बजट ठीक से, वो भी बताऊंगा। धारीवाल जी, मैंने 45-40 साल से ऊपर से आप लोगों को सुना है, आज आमना सामना है। तो जिस बजट पेश करने वालों की कहानी ये हो, हीरालाल जी शास्त्री हटाए गए,
जयनारायण जी व्यास हटाए गए, मोहनलाल जी सुखाड़िया हटाए गए, हरदेव जोशी जी हटाए गए, एक खाली अशोक गहलोत जी निकले जिन्होंने जादू दिखाकर अपने नौजवान नेता का पासा पलट दिया, और इसके लिए धारीवाल जी को प्रणाम करता हूं। वाह। इस बजट के अंदर विश्व के नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन है, हमारे कर्मठ समर्पित किसान पुत्र भजन लाल जी का नेतृत्व है, और विजनरी उप मुख्यमंत्री वित्त मंत्री श्रीमती दिया कुमारी का संकल्प है। स्त्री शक्ति के साथ पैरों में अंगद का बल लिए राजस्थान राष्ट्र की आन बान शान का प्रतीक फिर बनने जा रहा है। यह जो बजट है इसमें भारतीयता की खुशबू है और राजस्थान की परंपरा है। रूजवेल्ट, नेल्सन मंडेला, ये बजट के नाम ले रहा हूं, बजट पर चल रहा हूं, बजट पर बोल रहा हूं, आपको पता नहीं है। रूजवेल्ट, सिसरो, नेल्सन मंडेला, मिर्जा इस्माइल, कोफी अन्नान, ये कहां से गहलोत साहब पिछली बार बजट पढ़ते समय ले आए जो अभी तक पीछा नहीं छोड़ पा रहे हैं। जिस मिर्जा इस्माइल के कमरे में घुसकर एक नौजवान ने अपने को गोली मारकर आत्महत्या की, विराजे साहब अब आपने पढ़ा नहीं है बजट, बजट पढ़ा नहीं है, जैसे आपने वीर सावरकर को नहीं पढ़ा है। आपको पता नहीं कि 37 में गांधी जी ने जाकर सावरकर जी के पैर छुए थे, आपको पता नहीं है। कहेंगे तो पन्ना दिखा दूंगा, रिकॉर्ड दिखा दूंगा। आपको तो यह भी नहीं पता है संविधान को लेकर के नारे लगाते हैं, अगर ये बता दें कि संविधान सभा में राजस्थान से कौन से सदस्य थे तो मैं मान जाऊं कि इनको कांग्रेस का अध्ययन है। ये अशोक गहलोत जी के नाम बता दे तीनों तो मान जाऊं, ये राजेश पायलट जी का पूरा नाम बता दे तो मान जाऊं। मैं तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से एक एक नाम लेकर के आपसे कह रहा हूं कि अगर शिक्षा पूर्व शिक्षा मंत्री जी ऑब्लिक मिर्जा इस्माइल द्वारा जयपुर की प्लानिंग का हम इससे प्रेरणा लेकर शहरी ग्रामीण और क्षेत्रीय विकास के लिए कटिबद्ध, इनके बजट में है ये दिया। हाँ, इसको बदल देंगे, मिर्जा इस्माइल की जगह गोविंद देव मार्ग रहेगा। बैठ जाइए, बैठ जाइए। मिर्जा इस्माइल को निकाला गया था मैसूर से, आपको पता नहीं है। कृपया बोलने दीजिए, कृपया बोलने दीजिए विराजे साहब। मैंने ये कहा आपसे कि अगर आप शिक्षा मंत्री रहे, माननीय सभापति जी के माध्यम से कह रहा हूं, जब से राजस्थान बना है तब से शिक्षा के क्षेत्र में पहला स्थान राजस्थान ने कब प्राप्त किया, किसके नेतृत्व में प्राप्त किया, अगर आप यह बता दे तो मैं मान जाऊं। आपको नहीं पता, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, आपको जानकारी नहीं है। आप राजनीति में निष्णात हैं और ज्ञान में अज्ञात हैं। माननीय सदस्य, आप आदरणीय सभापति महोदय, आप शांत रहे सर। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ बजट नहीं दिया है, इतिहास गवाह है कि उसने जनता के हक की सदैव लड़ाई लड़ी है। जब कानून बनाए जा रहे थे जमीन के कानून, तो भारतीय जनसंघ ने नारा दिया था कि जमीन उसकी, जोते जिसकी, जोते जिसकी। जब देश के सामने अर्थव्यवस्था का संकट था, विदेशों से उधार ले लेकर के काम चलाया जा रहा था, लोग अपनी सड़ी गली चीजें हमको भेज रहे थे, तब जनसंघ ने नारा दिया, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी। जिस समय खाली खजाना, दौड़ रहे चूहे, पहली बार कहा कि हमारे पास कुछ है ही नहीं,
और लास्ट में स्थिति यह आई माननीय सभापति महोदय, क्या मैं जिला दे दूं, क्या मैं जिला दे दूं, तो हमारे एक नेताजी जो बैठे हैं सामने ही, वो कहें दे दो साहब, दे दो साहब, दे दो साहब, दिया दिया, न कोई फाइल, न कोई रिकॉर्ड, न कोई सर्वे, जिला दिया। हमारे दो विधायक पहुंचे, बोले लड़ाई में एक लड़का मर गया, बोले मैं क्या करूं, हॉस्पिटल में दिखाया। आप सुनिए सूर्य जुली जी, आप लोग तो जूडो मास्टर है, आपके पीछे शंकर जी बैठे हैं, एक बार पूछ लो जिले की। जूडो मास्टर जुली जी और डोटासरा जी, जूडो मास्टर, जूडो मास्टर। तो उन्होंने कहा अस्पताल में दिखाओ। तुम्हारे एक वरिष्ठ विधायक ने कहा तो मर गया, बोले मर गया तो क्या करे, बोले 50 लाख रुपए दे दो। फिर दे दिया, ले जाओ। किससे पूछा, कमा के लाए थे, कोई खेती है आपके, कोई जादू के नोट थे, दे दिया। राजस्थान के बजट का इस तरह से मजाक उड़ाया गया। जब अलमारियों में सोना रखा हो सभापति महोदय, करोड़ों के नोट निकलते हो, और आप ईमानदारी की बात करेंगे, ईमानदारी आप बजट की बात करेंगे, बजट तो वहीं खत्म हो गया जब सिर्फ खाना सीख गए, और खाना ऐसा जो हर चीज हजम हो रही है। मैं जानना चाहता हूं सभापति महोदय, आप किस बजट की बात करेंगे, पट्टे के पट्टे खत्म, एक पूर्व मंत्री, मैंने नाम नहीं लिया है, 16 मिनट में एक शब्द बजट पे नहीं है, ये बात कर रहे हैं, बजट पे चर्चा कर रहे हैं, उस पर भी आऊंगा, अभी आऊंगा, सुनिए, बजट पे बोल रहे हैं, अभी आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं। बजट के ऊपर ही चल रहा है सारा। ऐसा हो बजट जो समझ में आए झट, डोटासरा जी क्या बोलेंगे सभापति महोदय, जिस व्यक्ति ने राजनीति के अलावा कुछ पढ़ा नहीं हो, बजट से इसका क्या लेना देना है, इसको ज्ञान नहीं हो, इसीलिए सर्कस की सरकार है ये। आप बैठिए तो सही, अगर उम्र से अकलाती तो राहुल गांधी प्रतिपक्ष के नेता नहीं होते, आपको बना देते, आपको बना देते, आपको बना देते, आपको बना देते। जूली जी प्रतिपक्ष के नेता नहीं होते, बैठिए आप, आप ब्राजे साहब, ब्राजे सभापति महोदय क्या हो रहा है, आप बोलिए साहब, बस हो गया समय आपका। नहीं ऐसा नहीं, मैं बात बोल रहा हूँ, मेरे को टोका जा रहा है, आप ब्राजे मैं हो गया, उनका समय हो गया, ब्राजे बोलने नहीं दे रहे, क्या बोलूं मैं, आप ब्राजे आप कुर्सी पे बैठे हो, आप राजू साहब ये क्या आप, है क्या आगे कहां से आपका आगे? समय पूरा हुआ, क्या बोल रहे हैं आप राजी, प्लीज सदन की गरिमा को आप राजी, आप राजी सर, आप भी राजी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।